आज हमारे साथ है वंशिका, स्टूडेंट है एमबीबीएस का। इन्होंने रशिया एमबीबीएस करने के लिए जा रही है, जिसका एडमिशन वीजा वहां से आ चुका है। तो शी इज वेरी एक्साइटेड कि मेरा वीजा एडमिशन आ गया है तो मैं डॉक्टर बन गई। तो अभी तो जर्नी स्टार्ट होनी है वहां जाने के बाद। ये रशिया जा रही है, रशिया जाने का क्या कारण रहा है, क्यों जा रही है, वो सारा पूछेंगे। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस एमबीबीएस से पहले भी बनाई हुई हैं कि आप प्रेफर करें अच्छी कंट्रीज में जाने के लिए, जो यूरोपियन है, शेंगन है। अगर आपका बजट नहीं बनता कि हाँ हमारा इकोनॉमिकली हम वहां पर अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका जो बजट है 40 से 50 लाख के स्टार्ट हो जाता है। जो शेंगन कंट्रीज हैं उनका बजट ये लेकर चलिए 60 लाख से लेकर 70 लाख के बीच में है, और सब पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते। तो फिर इन्होंने पूछा कि कहाँ जाना चाहिए, तो फिर मैंने फिर बताया था उन वीडियोस में भी, फिर आप उन कंट्रीज में जाओ जहाँ पर पॉपुलेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंस्टेड ऑफ ये छोटी छोटी कंट्री जिनकी पॉपुलेशन 5 5 10 10 15 15 20 20 लाख की है, उनको अवॉइड करना चाहिए और कोशिश करें पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाएं। तो अभी वंशिका से पूरा एक्सपीरियंस पूछेंगे, इनकी कैसी जर्नी रही है क्रॉन इमिग्रेशन के साथ। तो वंशिका जी, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ इस यूम मीटिंग में, और मेरी तरफ से आपको नमस्कार है और आपके पेरेंट्स को भी नमस्कार है। तो नमस्कार वंशिका जी, आप पहले ये बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? जी, मैं बरेली उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश से, बरेली। और आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला था, ये बताइए पहले। जी, यूट्यूब पे मेरी मम्मी वीडियोस देखती थी तो वहीं से आपके बारे में पता चला। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा कि आपने वीडियोस देखते थे, वहां से पता चला। तो आप भी वीडियोस देखते हैं हमारी? ठीक हाँ, मैंने भी देखी। ठीक ठीक तो आप बरेली के हैं, बरेली यूपी के अंदर बहुत सारे कंसल्टेंट हैं एमबीबीएस के। दिल्ली है, रास्ते में पड़ता है, वहां पे भी बड़े कंसल्टेंट हैं। आप पंजाब में आए हैं, और मेरे मुझे लगता है कि जब आपने हमसे रजिस्ट्रेशन करवाई थी, जब आपने हमसे रजिस्ट्रेशन करवाई थी, तो उस टाइम तो आप मुझे मिले तो नहीं थे यहाँ पे जलंधर ऑफिस में कभी। तो वैसे ही हमारी नहीं, वीडियोस देख के पैसा डलवा दिया था। जी तो उसके बाद आप हमें यहाँ पर मिलने आए हैं कभी जलंधर ऑफिस में? ठीक जी जी मैं आई हूँ जलंधर। ठीक ठीक तो अभी आप जो एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं, कौन सी कंट्री में जा रहे हैं ये बताइए पहले। जी, मैं रशिया जा रही हूँ, रशिया कौन सी यूनिवर्सिटी में? ठीक ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। है, तो अभी आपका वीजा और आपका एडमिशन और वीजा सारा कुछ आ चुका है? जी, वीजा आ चुका है, एडमिशन प्रोसेस हो चुका है। हाँ तो आप कब ट्रेवल करने वाली हैं, कुछ बनाया अपना प्लान? जी, मैं 7th या 9th को ट्रैवल करने वाली हूँ। ठीक है, 7 या 9 को ट्रेवल करने वाले हैं, बहुत बढ़िया है। फिर तो आपने जब हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवाई थी, रजिस्ट्रेशन के बाद हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, हमारे स्टाफ का एक्सपीरियंस कैसा रहा है जो आपके केस को डील कर रहे थे, तो उन्होंने कैसी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की है? जी, जो मुझे डील कर रहे थे वो आपकी करनाल ब्रांच से थी शायद दीदी, तो हाँ वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी, बहुत ज्यादा हाँ स्वीट थी और अच्छा बहुत अच्छा ठीक अंडरस्टैंडिंग भी थी। ठीक ठीक वो मैडम का नाम है, वो हमारी मैनेजर है ज्योति। तो उन्होंने आपके केस ज्योति को नाम वहां वहां डील किया था, तो लास्टली आपका केस आ गया। तो मैं अभी आपको कुछ इसमें टिप्स दूंगा, अभी जब बाहर जा रहे हैं क्या क्या करना है क्या क्या नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपने जी। जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी बता दूं, इन्होंने हमें उस टाइम आई थिंक 15 या 15 हज़ार रुपया उस टाइम डिपॉजिट करवाया था जब इन्होंने अपना केस रजिस्टर करवाया था। उसके बाद हमने इनसे कोई भी पैसे नहीं लिए कि हाँ हमें इस चीज के पैसे दीजिए, इस चीज के पैसे दीजिए। हाँ, जब इन्होंने अपना वीजा स्टैंपिंग करवाना था, वो इनका जो वीजा वो एक्सप्रेस में फास्ट वाला करवा के दिया है दिल्ली से, उसमें मेरे ख्याल से इनके 20 हज़ार रुपया लगे थे वो वीजा के, 15 हज़ार रुपया उस टाइम दिया था। उसके बाद अभी इन्होंने यूनिवर्सिटी की भी जो फीस है वहां जाकर खुद पे करनी है यूनिवर्सिटी के अकाउंट में। ऐसा नहीं है कि जो फीस है मैंने इनको कहूँ कि मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, यहाँ पर भी इनकी सेविंग हो गई और इनको भी पता चल गया, ट्रांसपेरेंसी आ गई कि वहां पर कितनी फीस लगेगी। और इस के अंदर मैं वो भी बता दूं, यहाँ पर कोई भी वन टाइम के चार्जेस इंक्लूड नहीं है कि आपने रशिया जाकर वहां पर ये करना है वो करना है, क्योंकि सारा कुछ इसने खुद ही वहां पर पे करना है, हॉस्टल वालों को हॉस्टल का और यूनिवर्सिटी वालों को यूनिवर्सिटी का। दूसरा, इसके अंदर मैं और एक टिप्स आप प्रोवाइड कर देता हूँ आपको, कि कोई भी बच्चा किसी भी कंट्री में जाता है,
मैं उनसे और उनके पेरेंट्स से ये भी रिकमेंड करूंगा, कभी भी ये कोशिश ना करें कि आप अपनी जो यूनिवर्सिटी की फीस है इन वन शॉट में दे दें पूरे 6 साल की, उसको भी अवॉइड करना है। वो क्यों कह रहा हूं मैं अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको अपना लालच आ जाता है, मेरा 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया सेव हो रहा है। उसमें क्या है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका वहां पे दिल लगता है, आपको वहां की स्टडी अंडरस्टैंड होती है या नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि आपने वन टाइम में अपने पैसे सारे 6 साल के दे दिए, उधर आपको सिलेबस ना समझ लगे तो उधर आपका दिल ना लगे, उधर आप पास ना हो पाए तो आप अपने सारे के सारे पैसे वहां पर ब्लो कर लें। तो ये भी एक मेरी ओर से सबको वार्निंग है, क्योंकि उसमें क्या है कि हम कंसल्टेंटों ने तो यही कहना है हमारे जैसों में, आप पूरे 6 साल की जमा करवाए, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फिर बता दिया रिफंड पॉलिसी जरूर पढ़ लेनी है यूनिवर्सिटी की, कि हाँ अगर मैं 6 साल का जमा करा दूं, कोई कल मुझे कोई प्रॉब्लम आ जाए, मैं पास आउट ना हूं, तो फिर मैं क्या करूंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वंशिका, आपके लिए भी मैंने बताया है। ये जी जी मोटिवेशन नहीं है ये कि मैं अब ये करूंगा, मैं ये चाहता हूँ कि आपने हमारी फीस जो देनी थी दे दी। अभी वंशिका आपको भी मैं बता दूं, इसका स्पेशल केस हमारे लिए रहा है, पेरेंट्स ने बड़ी रिक्वेस्ट की कि सर हम अपनी जो फीस है बड़ी कम ही देंगे, तो इनसे हमने सिर्फ ₹80,000 ही लिया है पूरे प्रोसेस का, MBBS के लिए ये जा रही है, कोई 80,000 समथिंग ही लिया है इनसे हमने। तो ये देख लिए इसका एडमिशन वीजा सारा कुछ हमने करवा कर दिया है, वो भी जब इसका वीजा एडमिशन सारा कुछ आ गया उसके बाद लिया है, यही लिया है वंशिका हमने। जी जी हाँ, तो अभी ये सक्सेसफुली वहां पहुंच जाएगी। तो वंशिका अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी मेरी क्वेरी ये है कि यूनिवर्सिटी के 3 हॉस्टल्स हैं, तो उसमें से हम 3rd हॉस्टल में जा रहे हैं, तो कल को हमें अगर चेंज कराना पड़े तो हम 1st में जा बिल्कुल जा सकते हैं, अगर वहां पे अवेलेबिलिटी है वहां पर आप अपनी रिक्वेस्ट डालिए तो यू कैन चेंज, सबकी इस चीज की पॉसिबिलिटीज है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और अपनी सेफ्टी लेकर चलना है साथ में, और बता दूं अलग अलग टाइप की मोटिवेशंस भी दी जाती है डिफरेंट डिफरेंट कंसल्टेंटों के थ्रू कि सर हमारा ये पूरा ग्रुप जा रहा है, अभी जल्दी करिए, नहीं जाएंगे तो आप अकेले जाना पड़ेगा, आपको जर्नी करनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे मोटिवेशंस दिए जाते हैं। अभी मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, MBBS को छोड़ के मैं वर्ल्ड की 100 कंट्रीज में स्टूडेंट्स को भेजता हूँ, और 100 कंट्रीज में मेरे पास डेली 2-3-4 वीजा आते हैं, हर एक इंडिविजुअल चाहे USA में जा रहा है, चाहे कनाडा में जा रहा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है, चाहे UK में जा रहा है, चाहे वो शेंगन कंट्रीज में जा रहा है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज में जा रहा है, वो सिंगल ही ट्रेवल करते हैं। ये नहीं है कि अभी 10 स्टूडेंट्स का वीजा आएगा तो 10 स्टूडेंट हम बनाएंगे तब उनको ट्रेवल करवाएंगे। तो ऐसा जो मोटिवेशन है सिर्फ एक कहीं ना कहीं किसी का कोई इंटरेस्ट होता है किसी ना किसी कंसल्टेंट का कि नहीं हम ग्रुपों में करवाएंगे, जल्दी करिए, फलाना करिए, फिर बच्चा को भी ये लगता है कि मैं अकेला रह गया। तो आपने फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं तो ये नहीं सोचना कि हाँ मेरे साथ ग्रुप होगा तो मैं तभी ही ट्रेवल कर पाऊंगी। तो दूसरा ये है कि आपने अपना जो भी क्लोथिंग है, वहां पर सर्दी काफी रहती है रशिया के अंदर, माइनस में टेम्परेचर जाता है, वार्म क्लोथिंग गर्म क्लोथ मैक्सिमम से मैक्सिमम लेकर जाने, ठीक है जी। तो और कुछ क्वेरी? नहीं अभी तो, एक्चुअली ज्योति मैम बहुत ज्यादा अच्छी हैं तो वो बता दी। ठीक है, अभी आपने बता दिया तो अभी तो पब्लिक को बता दिया आपने, हम उनको खुद नहीं बताएंगे, वो वीडियो देख लेगी तो उनको उसका फीडबैक मिल जाएगा। तो और वंशिका मेरी तरफ से हैप्पी जर्नी, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे साथ में संपर्क में रहें, और आपको क्या लगता है कि आप आने वाले टाइम में या अभी हमारी सर्विसेज के बाद अगर आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई रिलेटिव कहता है तो क्या आप उनको हमारी कंपनी के बारे में रिकमेंड करेंगे या नहीं? जी मैं जरूर करूंगी। ठीक है, ठीक है वंशिका जी, थैंक यू, और नमस्कार आपको भी, आपके पेरेंट्स को भी, थैंक यू, नमस्कार।